कहीं आपको भी सुनाई दिया क्या? शिव ने रोक तो पूरे पूरे हो गए। कोई मत उठाना, कोई मत उठाना, कोई मत उठाना। Guys, this is your man. Welcome back to my channel. आज हम करने वाले हैं एक हॉरर चैलेंज, क्योंकि आप लोगों को हॉरर चैलेंज बहुत ज़्यादा पसंद है और इस हॉरर चैलेंज के लिए पर्टिकुलरली मुझे अकेला करना ज़रूरी है, तो मैं वही करने वाली हूँ। सारे चिमने घर पे गए हुए हैं बिकॉज आज वहीं पे स्टे है, तो इसलिए आज वो लोग सब वहाँ गए और मुझे भी जाना है फटाफट से। हमारे पास में रहती है चिमने, इसलिए जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पर अभी बजे लिटरली 12 करने के बाद होपफुली कुछ नहीं होगा तो मैं आराम से जा पाऊंगी। लेट्स होप सो एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो आज हम करने वाले हैं टेलीफोनिक प्रैंक ऑन स्पिरिट, और इसका मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं बाय द वे अपने स्टूडियो में आई हूँ क्योंकि मुझे मेरे घर पे लैंडलाइन पे कॉल करना है, एंड क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए तभी वो हो सकता है। बेसिकली इस रिचुअल में ये होता है, खाली बाथरूम में जाना है और उसमें जहाँ पे फंक्शनिंग टॉयलेट होना चाहिए एंड वहाँ पे आपको कॉल लगाना होता है एक भूत को। भूत को तो क्या, अपने लैंडलाइन में या कोई भी लैंडलाइन में जहाँ पे जो वो लैंडलाइन नंबर ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे कोई अभी नहीं रह रहा, मतलब कोई अभी है नहीं। ओके गाइस, सो मैं बैठ गई हूँ एंड आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाप रे इतना खोल अंदर, मुझे ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि जो मेरी लाइट्स है। ओके गाइस, तो बेसिकली इसमें ये नमक मैं लेके आई हूँ घर से, मुझे यहाँ पे गेट के ऐसे लगा देना है। ओके गाइस, ये मैंने अपने हाथ में डाल लिया बिकॉज ये बार बार माइक से भिड़ रहा था। अब मैं ये लगाने डाल रही हूँ यहाँ पे। बेसिकली पता नहीं क्यों आपने अगर मूवीज में भी देखा होगा कि नमक फॉर सम रीज़न आपको प्रोटेक्ट करता है किसी सॉर्ट ऑफ बैड एनर्जी और इन सब चीज़ों से। मुझे कोई आइडिया नहीं है नमक में क्या आयोडीन होता है क्या होता है, मेरे को भी आइडिया नहीं। तो ये नमक की मैंने ये लाइन बना दी, आपको दिख रही होगी ये मेरी फ्लैश लाइट। मुझे जाना है अंदर और अंदर मिलती हूँ मैं। अब मैंने बाथरूम में बंद कर दिया, ये फ्लैश लाइट है, मुझे कमोड पे भी फ्लैश लाइट मारनी है और लाइट बंद कर देनी है। मुझे ऑलरेडी पता नहीं कहाँ कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। आप यहाँ देख सकते हो मेरे बाथरूम की तरह नहीं, खिड़की भी है। आप लोगों ने करें तो प्लीज़ लाइक कर दो, अभी के भी लाइक कर दो, आप भी लाइक करो। ये फ्लैशलाइट जो इस रिचुअल से हो जाए वो है, एक होगा कि किसी ने कॉल उठाया नहीं या फोन खुद से कट गया, रिंग गई नहीं उससे पहले कट गया। मुझे ऑलरेडी तो देखिए बहुत ज्यादा डर लगा, मैं स्टूडियो में कभी भी अकेले नहीं आती हूँ, हमेशा चीजों के साथ आती हूँ, आज लिटरली पहली बार आई हूँ। तो दूसरा ऑप्शन होता है कि कुछ भी नहीं हुआ, ना फोन कटाया है और रिंग गई और फिर खुद से कट गया टाइप्स। तीसरा ऑप्शन होता है कि भैया आपको आपके बाथरूम के बाहर से आवाज़ आए, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो क्योंकि मैं लिटरली मैं यहीं बंद रह जाऊँगी, मैं बाहर कहीं नहीं जाऊँगी। चौथा है कि फोन आंसर हो जाएगा, जिसका सोच के आपको बता रही हूँ मेरे हाथों में अगर एक दो बार जो वैक्स के बाद बचते हैं वो सब खड़े हो गए। तो लिटरली बस वो है कि फोन अगर लग गया तो आपको समझ लो कि रिचुअल हो चुका है, फटाफट से फोन काटो, बाथरूम की लाइट्स ऑन करो, भागलो, लिटरली भागलो उस जगह से जहाँ पे भी फोन किया है वहाँ जाके लाइट ऑन करो और लैंडलाइन फोन के आसपास पूरा का पूरा नमक लगा दो एंड फिर होप करो कि और कुछ नहीं। सो आई एम गोना डू इट आप लोगों के लिए, तो लाइक कर दो गाइस, लेट्स बिगिन द रिचुअल। ओके गाइस, लाइट अप हो रही है। मेरी चप्पल भी आवाज कर रही है। ओके गाइस, इसमें अभी करना है हमने, मैं आपको दिखा। ओके गाइस, मैं आपको रख रही हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं लाइट मारती हूँ थोड़ी ऊपर से जिससे मैं भी आपको दिख जाऊँ। एंड इसमें मुझे बस अब कॉल लगाना है मेरे घर पे, जिस जहाँ पे कोई भी नहीं होगा, मेरा यहाँ पोछा पड़ा हुआ डरावना लग रहा है। सो बेसिकली तो पानी की टप टप भी बड़ी डरावनी लग रही है। पानी से बच के रहना, खतरा है तुम्हें पानी से। पानी पानी। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पे मेरे दूसरे फोन से फोन करना चाह रही हूँ होम में। ऑलराइट, आपको बाय चांस कुछ भी दिखता है गाइस कहीं पे भी तो डू लेट मी नो प्लीज, मुझे इसे मैं चेक कर सकूं। कोई
कोई मत उठाना, कोई मत उठाना, कोई मत उठाना। हमारा जो वॉइस मैसेज था वो गया है, तो हमारा फोन नहीं लगा, किसी ने नहीं उठाया। और एक और चीज ऑप्शन होता है कि थर्ड वाले में बाय चांस अगर आपको बाहर से आवाज आती है तो आपका जो कमोड का पानी है उसमें कलर चेंज आ सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस। और मैं लिटरली एक बार कॉल करके देखते हैं, कुछ होता है तो ठीक, नहीं तो निकलते हैं। ठीक है, आपको भी सुनाई दिया क्या? शिट, मेरे रूम पे पूरे पड़े हुए लटरिंग गाइस, देखो फोन में स्टैटिक आवाज आ रही थी, कैसे मेरे को कोई आईडिया नहीं, गाइस मैं भाग रही हूँ। शिट, मैंने तो फ्लैट लाइट पानी में फेंक दी और ये मेरा बंद भी हो गया। देख रहे हो गाइस कितना कितना कम सा हो गया। गाइस मैं निकल रही हूँ, सो रहे तो यही पड़ा है। पता नहीं वो क्या आवाज थी, स्टैटिक आवाज आई, पर लैंडलाइन का फोन उठा कैसे? मुझे रिचुअल के हिसाब से नीचे जाना पड़ेगा और मुझे लिटरली इतना ज्यादा डर लग रहा है, पर मुझे नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाके उसके अराउंड मुझे वो डालनी है सॉल्ट, तो फटाफट से नीचे चलते हैं। मेरी चप्पल भी टूट गई गाइस, मुझे ऑलरेडी बहुत डर लग रहा है, पर लेट्स गो गाइस। देखा जाए मेरे को लिटरली लगा था खोलने में डर लग गया गाइस। आप देख सकते हैं गाइस घर में लिटरली, अच्छा कुकू थी, मैं लाइट ऑन करूँ, कहाँ है लाइट? आप देख सकते हैं गाइस लिटरली घर पे आज कोई नहीं है। कुकू क्या हुआ? और लैंडलाइन मुझे लैंडलाइन के चारों तरफ करना है यार, लैंडलाइन बिल्कुल हिला भी नहीं है। देखो लैंडलाइन पे मेरे शायद मैसेज भी गए हुए हैं, तो ये कोई कैसे उठा सकता है? नहीं, हाँ मैं नमक डाल रही हूँ, मैं इससे तो नहीं डाल रही, ऐसे डाल देती हूँ। ओके गाइस, तो मेरे को निकलना है, मैंने ये डाल दिया है रिचुअल क्योंकि खत्म करना बहुत जरूरी होता है, पर मुझे लिटरली बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऑल्डो यहाँ पे कुकू बैठी है, कुकू को भी मैं ले जा रही हूँ, निकल रहे गाइस, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। प्लीज वीडियो पसंद, बाप रे मेरे को तो लिटरली मेरा खुद का घर इतना डरावना लग रहा है, मेरे को अलग अलग परछाइयां दिख रही है। कॉल कहाँ से आई? कॉल नहीं थी पर स्टैटिक नॉइज थी, पर स्टैटिक नॉइज उठने के बाद आई। कॉल कैसे उठ सकता है जब घर में कोई नहीं? कुकू तो उठा नहीं सकता, और बाय चांस कुकू उठा भी दे तो स्टैटिक नॉइज कहाँ से आएगी? तो मेरे को कोई आइडिया नहीं गाइस कहाँ से है, तो मैं कुकू को लेकर जा रही हूँ, और ज्यादा नहीं रुक सकती बिकॉज ऑलरेडी 12:30 से ऊपर हो चुकी है, मुझे वहाँ जाना है। सो आई जस्ट कट द वीडियो, प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड अब मैं आपसे अगली वीडियो मिलते गाइस, प्लीज मेरे लिए प्रे करना, बाय।